Today we read chapter 1 of class 5th, Treated for the Crocodile, and it starts from Treated for the Crocodile by Rustin Bond. Crocodile did it treated, और ये chapter, ये story ली रही है Treated for the Crocodile से, जो Rustin Bond ने लिखी है. Ranji was up at dawn, it was Sunday, a school holiday. Although he was supposed to be preparing for exams only a fortnight away, he couldn't resist one or two more games before getting down to history and algebra and other exciting things. Ranji was up at dawn. Ranji subah subah uthkar baith gaya. Or it was Sunday. Although it Sunday tha, a school holiday, school di chutti. Although he was supposed to be preparing for exams, और उसे अपने exams की preparation भी करनी थी, और उसके पास से fortnight थी, means only 14 days. लेकिन उसको अपनी पढ़ाई से ज़्यादा उसके लिए games important थे. वो अपनी पढ़ाई छोड़कर इतना उसको नहीं दे रहा था अपने गेम्स में. वो सारे गेम्स नहीं छोड़ रहा था, वो एक दो गेम्स खेल ही रहा था, पर अपनी पढ़ाई को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था. बिफोर गेटिंग डाउन टू हिस्ट्री एंड एल्जेब्रा एंड अदर एक्साइटिंग थिंग्स, वो ना हिस्ट्री एल्जेब्रा वो किसी भी चीज़ को अपना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, सिर्फ उसको क्रिकेट खेलना था. एंट्रेंस एल्जेब्रा मीन्स algebra means it is a type of math in which instead of number we use letters. I'm going to be a test cricketer when I grow up, he told his mother. What use will math to be to me? उसने अपनी मम्मी से बोला, वैसे भी मुझे बड़ा होता क्रिकेटर ही बनना है, तो मेरे लिए मैथ्स का क्या यूज. You never know, said his mother, who happened to be more of a cricket fan than his father. You might need maths to work out your batting average, and as for history, wouldn't you like to be a part of history? Famous cricketers made history. उसकी मम्मी ने उससे बोला, तुम्हें नहीं पता, मैं पापा क्रिकेटर तुमसे ज़्यादा फैन है, और तुम्हें मैथ्स से बहुत ज़रूरत है. अगर तुम मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो तुम अपनी बैटिंग का एवरेज नहीं निकाल पाओगे, अपनी बैटिंग एवरेज में वर्क नहीं कर पाओगे. और बात हुई हिस्ट्री की, क्या तुम्हें हिस्ट्री का पार्ट नहीं बनना है? तो फेमस क्रिकेटर लोग होते हैं, वो हिस्ट्री बनाते हैं. मेकिंग हिस्ट्री इज ऑल राइट, सेड रणजी. एज लॉन्ग एज आई डोंट हैव टू रिमेंबर द डेट ऑन विच आई मेड इट. चलो अच्छा, वहाँ तक तो ठीक है, हिस्ट्री बनाना ठीक है, रणजी ने बोला, पर जब तक मुझे अपनी हिस्ट्री बनाई हुई डेट याद रहती है, सिर्फ तब तक, मुझे वो डेट तो भूल जाता. ऐसा उसने बोला अपनी मम्मी से. रणजी मेट हिज फ्रेंड्स एंड टीममेट्स इन द पार्क. द ग्रास वाज स्टिल वेट विद ड्यू, सन ओनली जस्ट राइजिंग बिहाइंड द डिस्टेंट हिल्स. द पार्क वाज फुल ऑफ फ्लावर बेड्स एंड स्विंग्स एंड स्लाइड्स फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन. और फिर रणजी अपने फ्रेंड्स और टीममेट्स से पार्क में मिला, जो पार्क की ग्रास थी वो अभी भी ड्यू से वेट थी, ड्यू मतलब ओस से अभी भी गीली थी, और जो सन था वो बस हिल्स के पीछे से वो पहाड़ों से पीछे से सूर्य उदय हो रहा था, सनराइज हो रहा था. द पार्क वॉज फुल ऑफ फ्लावर बेड्स एंड स्विंग्स एंड स्लाइड्स फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन. और जो पार्क था वो फ्लावर बेड्स से फुल था, स्विंग्स थे वहाँ पर, स्लाइड्स थे छोटे बच्चों के लिए. द बॉयज वुड हैव टू प्ले ऑन द रिवर बैंक अगेंस्ट देयर राइवल्स द विलेज बॉयज. और जो बॉयज थे उन्हें रिवर बैंक पे खेलना था अपने राइवल्स के अगेंस्ट, और उनके राइवल्स थे द विलेज बॉयज. राइवल्स मीन्स दुश्मन. जैसे अगर हमारी टीम बनती है टीम ए और टीम बी, भले पर टीम ए और टीम बी फ्रेंड्स हो, बट अगर टीम डिवाइड हो जाए, कोई मैच हो रहा है और टीम डिवाइड हो रही है, तो टीम बी ऐसे सोचेगी ना कि हमें उन्हें हराना है. तो उसी तरीके से जो रणजी की टीम थी वो यही सोच रही थी कि हमें विलेज बॉयज़ को हराना है. वो उनके राइवल्स थे और उन्हें उनके अगेंस्ट खेलना था.
Ranji did not have a full team that morning, but he was just looking for a friendly match. The really important game would be held on the following Sunday. बट उस मॉर्निंग रणजी के पास उसकी पूरी टीम नहीं थी, वो बस ऐसे ही फ्रेंडली मैच के लिए सोच रहा था कि फ्रेंडली मैच ही कर लेते हैं। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट गेम था वो आने वाले संडे, मतलब अब जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें हेल्ड होना था, उसमें होना था। द विलेज टीम वॉज क्वाइट गुड बिकॉज द बॉयज लिव्ड नियर ईच अदर एंड प्रैक्टिस अ लॉट टुगेदर। बट जो विलेज की टीम थी वो काफ़ी अच्छे प्लेयर थे, वो बहुत अच्छे से खेलते थे और वो इसलिए इतना अच्छा खेल पाते थे क्योंकि जो बॉयज थे, उनकी टीम के जो मेंबर्स थे वो अदल बदल ही रहते थे, आसपास ही रहते थे, तो वो साथ मिलते बहुत प्रैक्टिस कर लेते थे। और वेरियस रणजी टीम वॉज ड्रॉन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द टाउन। देयर वॉज अ बेटर्स बॉय नाथू, द टेलर्स सन सुंदर, द पोस्टमास्टर्स सन प्रेम एंड द बैंक मैनेजर्स सन अनिल। और जब जो रणजी की टीम थी वो टाउन के सब जगह से चूज करी थी रणजी ने, और जो उसकी टीम में बेटर्स का बेटा था नाथू, टेलर का बेटा था सुंदर, पोस्टमैन का बेटा था प्रेम, और बैंक मैनेजर का बेटा था अनिल। दिस वर ऑफ सम बेटर प्लेयर्स, और ये सब तो थोड़े अच्छे प्लेयर्स थे, बेटर प्लेयर्स थे। समटाइम्स देयर फादर ऑल्सो टर्न्ड अप फॉर अ गेम। कभी कभार उनके जो फादर्स थे, उनके पापा भी उनके साथ उनके मैच में आ जाते थे। द फादर्स वरेंट वेरी गुड। जो उनके पापा लोग थे, जो उनके फादर्स थे, वो इतने अच्छे खेलने में नहीं थे। बट जो बॉयज़ थे वो उन्हें बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि वही उन्हें हेल्प करते थे बैट और बॉल, बैट बॉल देने में और पॉकेट बनी देने में। अगर वो उनसे बोलते पापा आप खेल नहीं पाते हो, या अंदर फ्रेंड बोलते हो अंदर आप खेल नहीं पाते हो, तो वो जाते अच्छा भैया हमें तुम लोग सब दे रहे हैं और हम ही लोग तो कह रहे हम, तो उनका सब बंद हो जाता, इसलिए वो उनको बोल भी नहीं सकते थे। अ रेगुलर स्पेक्टेटर एट दिस मैचेस वाज नाथू द क्रोकोडाइल। जो उनका रेगुलर स्पेक्टेटर था, स्पेक्टेटर मीन्स लाइक इन एग्जाम्पल ऑडियंस, जो उन्हें हमेशा वो देखता हो वो डरते हुए, लाइक वन वॉचिंग एन इवेंट सच एज अ गेम, तो हमेशा उन्हें देता था। और उसका नाम था क्रोकोडाइल, था उसका नाम था नाकू। नाकू वो लिव्ड इन द रिवर, नाकू मीन्स नोजी, तो ये रिवर में रहता था और नाकू का मीन्स था नोजी। बट द विलेज बॉयज वर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड कॉल्ड हिम नाकू जी। बट जो विलेज के बॉयज थे वो उसे बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बोलते थे नाकू जी, फनी नेम। ही हैड अ लॉन्ग स्नाउट, rows of ugly looking teeth, some of them badly in need of fillings, and a powerful scaly tail. So, but the long, बहुत बड़ी सी snout थी. Snout means किसी animal का जो face, mouth और nose touch हो रहा हो, of an animal वो काफी बड़ा सा हो. Nose and mouth sticking out from the face of an animal. ऐसे ही वो था. और जो उसकी टीथ भी बहुत गंदे से टीथ थे, और उस टीथों में और फिलिंग की भी ज़रूरत थी। और बट जो उसकी टेल थी, काली टेल वो बहुत पावरफुल थी। ही वॉज नियरली 15 feet लॉन्ग, बट यू डिड नॉट सी मच ऑफ हिम। ही स्वैम लो वाटर, ही स्वैम लो इन द वाटर एंड ग्लाइडेड स्मूथली थ्रू द tall grasses near the river bank to bask in the sun. Also, वो क्रोकोडाइल था वो nearly 15 feet बड़ा था, वो 15 feet बड़ा था, बड़ा उसको ज़्यादा देख नहीं पा रहे थे, और वो क्योंकि वो पानी के अंदर अंदर धीरे धीरे स्विम कर रहा था, वो बहुत छुप छुप के स्विम करते रिवर बैंक के नेट साइड चला गया, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टॉल ग्रासेस थी, तो वो वहाँ पर जाते छुप गया, वहाँ पर नहीं पा रहा था। और टू बास्क, तो बास्क मीन्स धूप लेने से, हम विंटर्स में धूप में बैठते हैं तो वैसे ही वो जाते हैं धूप लेने, तो वैसे ही वो जाते हैं धूप लेने लगा। ही डिड नॉट केयर फॉर पीपल स्पेशली क्रिकेटर्स, वो उसे वो पीपल से कोई केयर करता था, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, और स्पेशली क्रिकेटर्स तो बिल्कुल भी नहीं। और वो इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसको जो
डेड से जो नॉइस बना नॉइस बचाते थे उससे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, उससे बहुत डर भी लगता था। फैटनिंग अवे द वाटर बर्ड्स एंड द अदर क्रिएचर्स रिक्वायर्ड टू ऑफ एन इंटरेस्टिंग मेन्यू एंड इज ऑल्सो अलार्मिंग टू हैव क्रिकेट बॉल्स प्रॉपर अराउंड द शैलोज वेयर ही लाइक टू रेस्ट। और उनकी बॉल हमेशा वाटर बर्ड्स पर और उनकी बॉल जो थी हमेशा वहाँ जाती रहती थी। वो बहुत वरी भी था उस बात की वजह से, बहुत उसको अच्छा नहीं लगता था। और उनकी क्रिकेटर की बॉल हमेशा वहीं जाती जाती ज़्यादातर वहीं जाती थी जहाँ पर जहाँ वो उसकी फेवरेट जगह थी रेस्ट करने की। वंस नाटू ट्रिप क्वाइट क्लोज टू द बैंड मैनेजर हु वॉज डेस्टिन अगेंस्ट वन ऑफ द ट्रीज नियर द रिवर बैंक। The band manager was a portly gentleman and Natu seemed to him to think he would make a good meal. और एक बार Natu band manager के पास ही जा रहा था और तब और जो जो भी band manager तो था वह tree के नीचे आराम से rest कर रहा था। The band manager और जो band manager था portly gentleman था, portly means बहुत मोटा था वो। Natu seemed और नाटू ने उसे देख के सोचा अरे वाह आज तो बहुत अच्छी मील बन जाएगी, मेरी बहुत खाना मिल जाएगा। जस्ट देन द पार्टी ऑफ विलेजर्स हैड कम अलोंग बीटन ड्रम्स फॉर अ वेडिंग प्रोसेशन नाटू रिटायर्ड टू द मडी वाटर्स ऑफ द रिवर। और जैसे ही उसने सोचा तुरंत बाद विलेजर्स की पार्टी आ गई, वो बारात लेकर आ गए और ड्रम्स पीट रहे थे सब कर रहे थे, वो बारात आ गई। नाटू रिटायर्ड और वो उसने फिर से वो सब आवाज़ें आई नॉइज होने लगी तो वो फिर से वापस चला गया रिवर के मडी वाटर में। ही वॉज अ लिटिल टायर्ड ऑफ स्वाइलिंग स्वालोइंग फ्रॉग्स ईल्स एंड हेरॉन्स और वो थोड़ा थक चुका था इन सब तो खाते हुए पकड़ते हुए अपना मील बनाते हुए थक गया था। फ्रॉग्स ईल्स हेरॉन्स अपना मील बनाते हुए थक गया था। द जूसी बैंड मैनेजर वुड मेक अ नाइस चेंज ही ड्रॉप हिम वन डे। जूसी बैंड मैनेजर उसने एक नाइस चेंज किया और सोचा कि वो एक दिन उसे ड्रॉप कर लेगा। नाउ फ्रेंड्स वी विल कंटिन्यू दिस आफ्टर इन पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।